नमस्कार साथियों, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, थर्ड यूनिट हमने प्रारंभ कर रखी थी और थर्ड यूनिट के तहत चैप्टर अपना चल रहा था रेफरेंस सोर्सेज। रेफरेंस सोर्सेज के ऊपर काफी क्लासें पूर्व में आपकी हो चुकी हैं, जिनके माध्यम से हमने बहुत सारे रेफरेंस सोर्स तैयार किए थे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आज उसी कड़ी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम हम बात करेंगे पेटेंट की, पेटेंट के बाद हम बात करेंगे बायोग्राफिकल सोर्सेज की, जिसे हिंदी में आप जीवन चरित्र स्रोत के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। साथियों, इस क्लास के बाद एक क्लास आपकी रेफरेंस सोर्सेज वाले इस चैप्टर पर और होने वाली है। जैसे ही एक क्लास और हो जाएगी, आपका रेफरेंस सोर्सेज वाला ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपने इसे तैयार कर लिया होगा, जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। बहुत बढ़िया से तैयार करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, कहीं एग्जाम में समस्या नहीं आएगी। जो भी मैंने सोर्स पढ़ाया है, जो भी संदर्भ स्रोत आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सवाल बाहर से नहीं बनेगा, इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। एक क्लास जैसे ही और हो जाती है, आपका रेफरेंस सोर्सेज वाला ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे। और आगे जो आने वाले कुछ एक चैप्टर हैं वो छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे से मतलब ये मत समझ लेना कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कम है, नहीं, एग्जाम की दृष्टि से तो वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके अंदर जो कंटेंट है वो ज्यादा नहीं है। एक एक क्लास के माध्यम से ही वो टॉपिक आपके कंप्लीट होते जाएंगे और हम आगे बढ़ते हुए चलते जाएंगे, साथ साथ उन्हें भी तैयार करते जाइएगा, सवाल परीक्षा में गलत हो ही नहीं सकता अगर आप लोग ऐसा कर पाते हैं तो। परीक्षाएं आपकी बहुत नजदीक हैं तो अब कहीं पर भी डाइवर्ट माइंड को करना नहीं है। जो कार्य है उनको एक बार स्किप कर दीजिए, जितने भी काम है सोच लीजिए कि बाद में करेंगे, पहले परीक्षा दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा, जो बिगड़ता है बिगड़ जाने दीजिए, क्योंकि ये जिंदगी मौके ऐसे बार बार देगी नहीं आपको। बहुत वर्षों से वैकेंसियां आती हैं और ऐसे सुनहरे अवसर तो बहुत कम आते हैं कि इतनी सारी लाइब्रेरियन की वैकेंसियां एक साथ आपके सामने आ जाए। ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं मिला करते हैं। जितने भी कार्य आपके हैं उन्हें एक बार आप पेंडिंग में ही छोड़ दीजिए, कहीं कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और बिगड़ता है तो बिगड़ जाने दीजिए। ये जब जॉब लग जाएगी तो सब कार्य अपने आप सुधर जाएंगे। आज हम सबसे पहले पेटेंट की बात करते हैं और पेटेंट के बाद बायोग्राफिकल सोर्सेज देखेंगे, उसके बाद एक क्लास और होगी, फिर नया चैप्टर हम शुरू कर देंगे। तो चलिएगा, करते हैं प्रारंभ आज की क्लास को पेटेंट के साथ में। चलिएगा, देखिएगा, मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप उसे देखिएगा, मैं भी उसी तरीके से देख के आपको करवाता हूं। एग्जाम में सवाल कैसे बनता है, मैं बार बार आपको कहता हूं कि पीएचडी नहीं करनी है। अगर आप हर एक चीज पर पीएचडी करने लग गए तो मेरे हिसाब से परीक्षा पास नहीं होगी। किसी चीज की जड़ तक नहीं जाना है, एग्जामिनर आपसे इतनी अपेक्षा नहीं रखता है। किसी भी चीज का सतही नॉलेज आपको परीक्षा में पूछा जाता है, जड़ तक नहीं पहुंचना है, यह मेरा सुम का अनुभव कहता है। एग्जाम अपने से क्या मांग रही है, किस लेवल का पेपर है, उस लेवल को मेंटेन करते हुए चलिए, पीएचडी मत करिएगा किसी भी चीज पर। बहुत से बच्चे हैं जो उसके अंदर घुसे जा रहे हैं, जड़ से भी कहीं और नीचे जाते जा रहे हैं, ऐसा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। सवाल कहां से आते हैं, किस प्रकार से सवाल पूछता है, और लास्ट जब मान लीजिए कि पेपर जटिल भी बना दे तो किस लेवल का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वो सब के सब मैं आपको अवेलेबल यहां करवा रहा हूं।
जितना लेवल मैं करवा रहा हूं दावे के साथ कहता हूं उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे तो और पढ़ना है, तो इस और के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर लोगे, वही पढ़ते रहोगे, सवाल ऊपर से ही मिल जाएगा। या फिर आप बहुत ज्यादा डीप मत जाइएगा, ऊपर ऊपर से पढ़िए या मीडियम लेवल पढ़ लीजिए। जो मैं करवा रहा हूं वो तो मैं बहुत अच्छे लेवल के हिसाब से करवा रहा हूं, ये तय मान के चलिए। आप उठा के देखिएगा, बहुत सी बुक्स मार्केट में है, आप देखिएगा उनमें इतना कंटेंट है ही नहीं उन बुक्स में। उसके बावजूद आप लोग ये सोचते हैं, बहुत से बच्चों का कॉल आता है, बोले सर इसके अंदर जाए जा रहे हैं उत्पत्ति लेटिन से हुई है, सर ग्रीक से भी हो रखी है। अरे भाई ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी उत्पत्ति लेटिन से भी बता रखी है, लेटिन का कोई दूसरा वर्ड है, ग्रीक का कोई दूसरा वर्ड है, वर्ड भी तो देखिए आगे किसका पूछ रखा है। और फिर भी उस चीज को गहन विश्लेषित किए जा रहे हैं, भाई आप अपने टाइम को भी मैनेज करिए, समय कितना है और क्या जो आप पढ़ रहे हैं उसे एग्जाम के पास में 10-12 बार रिवाइज कर पाएंगे। आप उतना ही पढ़िए जितना परीक्षा के समय उसे 10-12 बार रिवाइज कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो आप बहुत डीपली पढ़ते जा रहे हैं और जब परीक्षा आए तो नौबत ऐसी आ जाए कि आपको लगे कि यार अब इसे मैं स्किप कर देता हूं। क्या फायदा हुआ उसका? कोई फायदा नहीं है। सीमित पढ़िए लेकिन उसी को बार बार पढ़िए, यही एग्जाम क्रैक करने का एक मंत्र है। सीमित पढ़ो लेकिन जो पढ़ रहे हो उसे बार बार पढ़ डालिए। एग्जाम से पहले देखो तैयार तो करना ही है, लेकिन एग्जाम से पहले उसका रिवीजन 10-12 बार तो बाद में हो जाना चाहिए। एग्जाम के टाइम पे सिलेक्शन तब होता है। आप अब तो बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम पास में आएगा प्रेशर बनेगा, कवर ही नहीं कर पाओगे सारा सिलेबस, क्योंकि जीके भी पढ़ना है, लाइब्रेरी साइंस भी पढ़ना है, सबको समय दे ही नहीं पाओगे। और उस परिस्थिति में फिर आप चीजों को स्किप करने लग जाओगे, कोई फायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का। अभी से निश्चित कर लीजिए कि सर ये पढ़ना है और इसी को बार बार पढ़ना है, बस इसी तरीके से पढ़ते जाए, परीक्षा में कहीं समस्या नहीं आएगी। और मैं एग्जाम के हिसाब से ही कंटेंट आपको दे रहा हूं, जो दे रहा हूं उसमें रत्ती भर भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हाँ आप अगर 18-20 घंटे दे पा रहे हैं तो फिर अपने हिसाब से कुछ छोटा मोटा और देख सकते हैं, बाकी अगर आप 15-16 घंटे दे पाते हैं अपनी स्टडी को तो इसके अलावा भी आपको शायद आवश्यकता पड़ेगी नहीं किसी और चीज की, बुक्स की, थ्योरी वाली बुक्स की स्पेशली जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ऑब्जेक्टिव बुक आप ले लीजिएगा, वो भले ही आप बार बार लगाइए, उनके एमसीक्यूज आप लगाइएगा, चलिएगा। खैर सवाल पहला ही आपसे पूछा जाता है कि पेटेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस से हुई है। पेटेंट की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पेटेरे से हुई है, ध्यान रखना। पेटेंट कहां से निकला है भाई? लैटिन भाषा के पेटेरे से निकला है। ये दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं, लैटिन भाषा और पेटेरे। मीनिंग देख लेना भाई पेटेरे की, PATERE। हिंदी में कई बार पीटीरे लिखा हुआ दे देगा, पेटेरे लिखा हुआ दे देगा। ये जो मीनिंग है वो आप चेक करिएगा जब ये सवाल आपके सामने आए। लैटिन भाषा के पेटेरे से ये आपका पेटेंट निकला है, पहला सवाल। उसके बाद देखिएगा पेटेंट क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। किसी व्यक्ति को उसके द्वारा आविष्कृत किसी उत्पाद प्रक्रिया डिजाइन आदि को एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए बनाना, या फिर मैं सीधा कहूं कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा आविष्कृत किसी उत्पाद प्रक्रिया डिजाइन आदि को एक निश्चित वर्षों के लिए बनाने उपयोग करने या बेचने के लिए दिया गया अधिकार पेटेंट कहलाता है। यह सिंपल सी इसकी परिभाषा है। अधिकार प्राप्त हो जाता है जो चीज उसने बनाई है एक निश्चित समय के लिए, और वो समय होता है 20 वर्ष। और 20 वर्ष भी कहां से काउंट किए जाते हैं, ये टॉपिक मैं आपको पूर्व में पढ़ा चुका हूं, याद करिए। यूनिट फर्स्ट के तहत पेटेंट एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत डिटेल के साथ मैंने ये आपको करवा रखा है।
अब मैं ज्यादा डिटेल से यहां नहीं जाऊंगा, समय आपका व्यर्थ नहीं करूंगा, बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। समय बताया था मैंने आपको 20 वर्ष, आवेदन करने की तिथि से 20 वर्ष काउंट किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, खैर हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेटेंट की अवधि की। पेटेंट की अवधि कितनी होती है? आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष तक आपके पास आपके उस उत्पाद का अधिकार है जो आपने निर्मित किया है, तैयार किया है। सवाल पूछा जाता है कि पेटेंट का प्रकाशन की जो आवृत्ति है वो क्या है? तो आप कहेंगे सर एवरी वीक, हर सप्ताह प्रकाशित किए जाते हैं पेटेंट। और कहां किसमें प्रकाशित किए जाते हैं, ये सवाल तो बहुत बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, पेटेंट का प्रकाशन कहां होता है, किसमें होता है, स्टार लगा लीजिएगा। भारत के राजपत्र में भाग 3 खंड 2 में प्रकाशित किए जाते हैं भैया आपके ये पेटेंट। किसमें भाई? भारत के राजपत्र के भाग 3 खंड 2 में पेटेंट प्रकाशित किए जाते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, गलती यहां बिल्कुल भी नहीं करनी है। सवाल आपसे पूछा जाता है कि पेटेंट का मुख्यालय कहां है? तो पेटेंट का मुख्यालय भैया कोलकाता में है। अभी नागपुर भी आएगा, लेकिन नागपुर किस संदर्भ में आएगा वो भी हम देखेंगे। मुख्यालय अगर पूछे तो कोलकाता में है, ब्रांच अगर पूछे तो फिर वो 3 ब्रांच हम और देखते हैं, आपकी चेन्नई वाली, मुंबई वाली और आपकी दिल्ली वाली। देखिएगा शाखाएं, देखिएगा चेन्नई में है, मुंबई में भी है और दिल्ली में भी है। पेटेंट वाला ये चैप्टर मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूं, बहुत गहनता के साथ पढ़ाया है, कहीं कोई कसर उसमें नहीं छोड़ी गई है। तो पेटेंट को अगर और डिटेल से पढ़ना है, सारे एक्ट वगैरह की बात करनी है, बहुत विस्तार से मैंने पढ़ा रखा है, आप जाइए पेटेंट की संपूर्ण जानकारी अगर आपको देखनी है तो यूनिट 1 में जाइए, वहां पर मैंने पढ़ा रखा है पेटेंट एक्ट, वहां जाके आप देखेंगे तो आपको यह संपूर्ण जानकारी पेटेंट के संदर्भ में मिल जाएगी। अब मैं बार बार पेटेंट को पढ़ाऊं उसका कोई औचित्य नहीं है। चलिएगा देखिएगा, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, बायोग्राफिकल सोर्सेज की बात करते हैं, जीवन चरित्र जो स्रोत होते हैं उनकी चर्चा हम यहां अब करते हैं। देखिएगा, 2 प्रकार से हो सकती है भाई जीवनियां, एक तो व्यक्तिगत जीवनी हो सकती है किसी पुस्तक में, एक किसी पुस्तक में सामूहिक जीवनी हो सकती है। व्यक्तिगत से मतलब हुआ कि किसी एक व्यक्ति की कंप्लीट जीवन गाथा हो सकती है, सामूहिक में बहुत सारे व्यक्तियों की जीवनियां हो सकती है। 2 प्रकार से हम यहां देखते हैं, लेकिन जो पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं उनका ध्यान सामूहिक जीवनियों की पुस्तकों पर ही अधिक होता है। पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं उनका ध्यान किस पर होता है भाई? सामूहिक जो जीवनियों की पुस्तक है उनके ऊपर ही अधिक होता है। सामूहिक जीवनी को विभिन्न नामों से जाना जाता है। सामूहिक जीवनी को कौन कौन से नामों से जाना जाता है वो हम यहां फिर से देख लेते हैं। देखिएगा, सामूहिक जीवनियों को हम किस नाम से पहचानते हैं? सर्वप्रथम देखिएगा बायोग्राफिकल डिक्शनरी, उसके बाद हूज हू डायरेक्टरी, जिसे आर्टिस्ट डायरेक्टरी के नाम से भी हम पहचानते हैं, आर्टिस्ट की डायरेक्टरी भी यह होती है, हैंडबुक भी इसमें शामिल की जाती है। हैंडबुक के अंदर भी जीवनियां हो सकती हैं, जैसे हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट एंड लाइब्रेरियंस इन इंडिया, भारत के अंदर साइंटिस्ट और लाइब्रेरियंस की हैंडबुक, तो उनमें उनकी जीवनी होती है, तो हैंडबुक के रूप में भी जीवनियां हो सकती हैं। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया के रूप में भी जीवनी हो सकती है, जैसे मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड बायोग्राफी, तो इसमें भी जीवनियां हैं, तो इंसाइक्लोपीडिया के रूप में भी जीवनियां हो सकती हैं भाई। ये बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, सवाल यहां से पूछे जाते हैं। ज्यादा सवाल कहां से आएंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें क्या है मैं आपको साथ में बताते हुए चलूंगा, जहां से सवाल अधिकतर बनते हैं। देखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि समय के आधार पर
जीवनी स्रोतों के कितने प्रकार होते हैं? आप कहेंगे सर समय के आधार पे जीवनी स्रोत दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार के जीवनी स्रोत समय के हिसाब से कौन से? बोले सर एक तो वर्तमान वाले और एक पूर्वव्यापी। वर्तमान जीवनी संबंधी जानकारी के स्रोत और पूर्वव्यापी जीवनी संबंधी जानकारी के स्रोत समय के आधार पर आपसे पूछे तो कितने प्रकार बताने हैं? दो प्रकार बताने हैं। दो प्रकार कौन कौन से? बोले एक तो वर्तमान वाली जीवनी और एक पूर्वव्यापी जीवनी। तो समय के आधार पर जीवनी स्रोत दो प्रकार के होते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जीवनी स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तब आप बताएंगे बोले सर तीन प्रकार के होते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जीवनी स्रोतों के प्रकार अगर आपसे पूछता है तो तीन बताएंगे। तीन प्रकार कौन से बताएंगे? पहला सार्वभौमिक, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा क्षेत्रीय, या इसे स्थानीय कह सकते हैं या इसे संस्थागत भी कह सकते हैं। तो तीन प्रकार होते हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, सार्वभौमिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय या संस्थागत। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पूछे तो तीन प्रकार बताने हैं, समय के आधार पर पूछे तो दो प्रकार के बताने हैं। ये सवाल यहां से पूछे जाते हैं भैया। अब सवाल बनेंगे बहुत महत्वपूर्ण, यहां से लगाइए स्टार। 90% संभावना है कि सवाल आपका यहीं से पूछा जाएगा, जो पीछे हुआ है वहां से 10% संभावना रहती है सवाल आने की, 90% संभावना सवाल पूछे जाने की अब जो हम पढ़ेंगे वहां से है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। देखिएगा भाई, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल हूज हू को। सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है इंटरनेशनल हूज हू क्या है, डायरेक्ट सवाल, बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल इंटरनेशनल हूज हू क्या है। आपका सीधा सा जवाब होगा बोले सर जीवन चरित्र स्रोत है, या फिर सीधे कहें कि बोले सर ये क्या है, जीवनी है, व्यक्तियों की जीवन गाथा इसमें दे रखी है। तो इंटरनेशनल हूज हू क्या है? बोले सर एक जीवन चरित्र स्रोत है, जिस ऑप्शन में आपको जीवन चरित्र स्रोत मिले वो आपको टिक कर देना है। उसके बाद सवाल पूछा जाता है इंटरनेशनल हूज हू का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था, लगाइए स्टार। बोले सर 1935 में हुआ था, 1935 में हुआ था। सवाल पूछा जाता है इंटरनेशनल हूज हू का पहली बार प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तब आपका जवाब होगा यूरोपा पब्लिकेशन। और यूरोपा पब्लिकेशन कहां पर है भाई? लंदन में है, और लंदन पड़ता है ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। इंटरनेशनल हूज हू क्या है? जवाब होगा जीवन चरित्र स्रोत है। इंटरनेशनल हूज हू का प्रकाशन 1935 में किसके द्वारा? यूरोपा पब्लिकेशन के द्वारा किया गया था फर्स्ट बार में। लेकिन सवाल अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल हूज हू का प्रकाशन कौन करता है, ये नहीं पूछेगा आपसे, अगर पूछे कि कौन करता है तो फिर यूरोपा वाला आंसर आप नहीं दे सकते, फिर आंसर आप देंगे रूटलेज, फिर आंसर देंगे रूटलेज। क्योंकि जब 1935 में इसका पहला एडिशन आया था वो प्रकाशित किया गया था यूरोपा पब्लिकेशन के द्वारा, लेकिन वर्ष 2000 से इसका प्रकाशन कर रहा है रूटलेज। तो वर्तमान में अगर पूछे आपसे कि किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो फिर रूटलेज बताएंगे। आपसे सवाल पूछा, ये देखो रूटलेज भी आपका लंदन में ही है, तो प्रकाशन अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि प्रकाशन कहां से किया जाता था तब भी लंदन, कहां से किया जाता है तब भी लंदन, लेकिन प्रकाशक का नाम पूछे तो प्रारंभ तो किया था यूरोपा पब्लिकेशन ने, और अभी वर्तमान में इसका प्रकाशन रूटलेज के द्वारा किया जाता है, और ये दोनों ही लंदन में है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आजकल सवाल ये भी पूछा जाने लग गया है कि इसका प्रकाशन या आवृत्ति इसकी क्या है, आप कहेंगे सर वार्षिक है, एनुअली है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एनुअली है, और कब से है, बोले सर 1935 से वार्षिक है। एनुअली प्रकाशन कब से किया जाता है? 1935 से। इनके अलावा
इंटरनेशनल हूजहू से कोई भी सवाल नहीं बनेगा, यह याद कर लेना, आपका सवाल सही हो जाएगा। इंटरनेशनल हूजहू का कोई सवाल आता है तो बाहर नहीं जाएगा। एक एक जीवनी स्रोत को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल हूजहू ऑफ वुमेन, महिलाओं की जीवनियां है भाई इसमें, नाम से ही पता चल रहा है वुमेन। तो इसके संदर्भ में भी पूछा जाता है कि क्या है, आपका जवाब होगा बोले सर जीवन चरित स्रोत है। और देखो ये हूजहू देखे ना, आपको दिख जाए तो आप समझ जाना बोले सर ये जीवनी है, जीवन चरित स्रोत है। क्या है भैया जीवन चरित स्रोत? पहली बार प्रकाशन 1935 किसके द्वारा? रूटलेज लंदन के द्वारा। कई बार रूटलेज की जगह राउटलेडज भी लिखा हुआ आएगा, ध्यान रखना है ना। तो वैसे अगर देखा जाए तो रूटलेज है, लेकिन कई जगह राउटलेडज भी लिखा हुआ दे देता है हिंदी में लिखते समय। खैर इनके संदर्भ में सवाल इतने ही बनेंगे। प्रकाशन पहली बार किस वर्ष हुआ? बोले 1935 में। क्या है जीवन चरित स्रोत और कौन करता है? बोले सर रूटलेज लंदन के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। चलिएगा उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हूजहू इन अमेरिका की। ये क्या है भाई हूजहू इन अमेरिका, अर्थात अमेरिका के लोगों की जीवनियां है इसमें, नाम से ही पता चल रहा। हूजहू देखते ही समझ जाना कि ये जीवनी है, बायोग्राफिकल सोर्स है, पकड़ में आ जाएगा। अब चलिएगा सवाल पूछे कि हूजहू अमेरिका क्या है? पहला जवाब डायरेक्ट होगा जीवनी स्रोत है, जीवन चरित स्रोत है। बोले सर प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था हूजहू अमेरिका का? जवाब होगा 1899। पहली बार या इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? जवाब होगा मर्कुइस के द्वारा किया जाता है। और ये जो मर्कुइस है वो आपका शिकागो में है, इसलिए सवाल सीधा सीधा पूछता है हूजहू इन अमेरिका का प्रकाशन कहां से होता है? हूजहू इन अमेरिका का प्रकाशन कहां से होता है? जवाब होगा शिकागो से। शिकागो से क्यों होता है? क्योंकि ये मर्कुइस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और मर्कुइस शिकागो अमेरिका में है। इस प्रकार से ये सभी सवाल आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, जब पीछे के सालों के आप पेपर उठाएंगे तो ऐसे सवाल आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। चलो जी बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे और बात करते हैं इंडिया हूजहू की। इंडिया हूजहू की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, सवाल आपसे पूछा जाएगा इंडिया हूजहू क्या है? आपका सीधा सा जवाब होगा जीवनी स्रोत है, जीवन चरित स्रोत है। बोले सर क्या है इसमें? जीवनियां है लोगों की। पहली बार प्रकाशन 1969 याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है? तब कहेंगे सर इन्फा के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। कहां से प्रकाशन किया जाता है? आपका जवाब होगा दिल्ली से प्रकाशन किया जाता है। इंडिया हूजहू कहां से प्रकाशित होता है? जवाब होगा सर दिल्ली से प्रकाशित होता है। इंडिया हूजहू का प्रकाशन कौन करता है? बोले सर इन्फा करता है। इंडिया हूजहू का पहली बार प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? बोले सर 1969 में हुआ। अरे इंडिया हूजहू क्या है? जवाब होगा जीवनी स्रोत है। बोले सर लोगों की जीवनियां इसमें दे रखी है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इन्फा क्या है, पूरा नाम क्या है? तो पूछ लिया जाता है कई बार, इंडिया न्यूज एंड फ्यूचर अलायंस इसका पूरा नाम होता है इन्फा का। इंडिया न्यूज एंड फ्यूचर अलायंस इसका प्रकाशन करती है, जो कहां पर अवस्थित है? बोले सर दिल्ली में अवस्थित है। यह सवाल यहां से बनेंगे, इनके अलावा कोई सवाल यहां से और नया नहीं बनेगा। चलो जी उसके बाद बात करते हैं करंट बायोग्राफी की। बायोग्राफी देखते ही समझ गए बोले सर जीवनी है, सीधी सी बात है। सवाल आपसे पूछे क्या है करंट बायोग्राफी? जवाब होगा जीवन चरित स्रोत या जीवनी स्रोत है। पहली बार प्रकाशन 1940 में, थ्योरी नहीं दी है, जहां थ्योरी की आवश्यकता है मैं वही थ्योरी डालता हूं, बाकी मेरी कोशिश रहती है कि थ्योरी आपको कम से कम दू, सीधे फैक्ट देता हूं क्योंकि परीक्षा में वही पूछे जाते हैं। जहां कंसेप्ट सवाल बनने का होता है मैं वहां पर थ्योरी जरूर देता हूं, उसका कंसेप्ट भी करवाता हूं, लेकिन जहां से सीधे सवाल आते हैं तो मैं सीधे सीधे फैक्ट डालता हूं।
क्योंकि मुझे मालूम है यहां से सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। पहली बार प्रकाशन 1940 में, किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है भाई करंट बायोग्राफी का? जवाब होगा एच डब्ल्यू विल्सन का। सवाल आपसे पूछा जाता है करंट बायोग्राफी कहां से प्रकाशित की जाती है? जवाब होगा सर न्यूयॉर्क से प्रकाशित करी जाती है। और अगर पूछे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है, तो आप कहेंगे सर मंथली प्रकाशित किया जाता है करंट बायोग्राफी, हर महीने प्रकाशित करी जाती है। एच डब्ल्यू विल्सन न्यूयॉर्क से, पहली बार प्रकाशन 1940 में, करंट बायोग्राफी क्या है? बायोग्राफी देख के ही समझ जाएंगे, बोले सर जीवनी स्रोत है। चलिएगा बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे, देखिएगा हुज हु ऑफ इंडियन राइटर्स क्या है? बोले सर जीवनी स्रोत है, पहली बार प्रकाशन 1961 में, किसके द्वारा प्रकाशन? बोले साहित्य अकादमी के द्वारा। अब सुनिएगा, लगाओ स्टार, स्टार लगा लेना दो तीन यहां नोट के ऊपर। यूजीसी नेट 2013 का सवाल, 2013 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है समझ लीजिएगा, भारत में हुज हु का अनियमित प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में हुज हु का अनियमित प्रकाशन बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, भारत में हुज हु का अनियमित प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? जवाब होगा बिजनेस प्रेस के द्वारा। और बिजनेस प्रेस कहां पर है? मुंबई में है। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा चुका है कई बार कि भारत में हुज हु का अनियमित प्रकाशन कहां से होता है, और अधिकांश बच्चे इसका जवाब दिल्ली लगा के आ जाते हैं, जो पूर्ण रूप से गलत है। ध्यान रखना, इसका भारत में जो प्रकाशन है वो मुंबई से होता है। भारत में हुज हु का अनियमित प्रकाशन मुंबई से होता है और बिजनेस प्रेस के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, दो तीन स्टार लगा लेना। यूजीसी नेट 2013 ये सवाल ऐसे की ऐसे छप के आया था, मैं पेपर चेक करता रहता हूं, देखता रहता हूं, तो ये सवाल कोई अगर नया मिलता है तो मैं सीधा सीधा यहां चिपका देता हूं, ताकि क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में रिपीट होते हैं भाई बहुत से सवाल। चलिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हुज हु इन वर्ल्ड की। हुज हु इन वर्ल्ड क्या है? हुज हु देखते ही तुरंत समझ गए, बोले सर जीवनी स्रोत है। प्रकाशक कौन है? बोले सर मर्कुइस है, और मर्कुइस कहां है? शिकागो में है। शिकागो कहां है? बोले सर अमेरिका में है। तो भैया हुज हु इन वर्ल्ड का प्रकाशन किस देश में होता है? आप कहेंगे सर अमेरिका में होता है। आपसे पूछे कहां से? अमेरिका में कहां से? बोले सर शिकागो में। हुज हु इन वर्ल्ड का प्रकाशक कौन है? बोले सर मर्कुइस है। मर्कुइस, बोले मर्बो शिकागो, है ना, मर्गो शिकागो, मर्बो शिकागो। तो मर्कुइस शिकागो से हुज हु इन वर्ल्ड का प्रकाशन होता है। ये सवाल यहां से बनते हैं, गलती नहीं करनी है परीक्षा में अगर सवाल आपसे पूछा जाता है तो। देखिएगा भाई, नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया, नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया क्या है? जवाब होगा सर जीवनी स्रोत है। बायोग्राफिकल देखते ही समझ जाएंगे, कोई दिक्कत यहां नहीं है। किसके द्वारा, किसने तैयार किया भाई? तो जगदीश शर्मा, याद रखना यह सवाल पूछा जा चुका है, जगदीश शर्मा का नाम पूछा जा चुका है। प्रकाशन वर्ष 1972, प्रकाशक स्टर्लिंग, नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया का प्रकाशन कहां से होता है? जवाब होगा नई दिल्ली से होता है। किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है? तो स्टर्लिंग के द्वारा। पहली बार प्रकाशन 1972 में किसके द्वारा तैयार की गई? जगदीश शर्मा के द्वारा। तो ये सवाल यहां से पूछे जा चुके हैं, कोई गलती नहीं करनी है, और फिर से पूछे जाएंगे, बार बार पूछा जा रहा है भाई, जगदीश शर्मा का नाम बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिएगा अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, डीएनबी पूरा नाम अगर कहें तो डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी। लगाओ भाई स्टार, और छाप लो स्टार दो तीन लगा लो। सवाल पूछा जाता है भाई यहां से, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी, तो नेशनल देखकर आप लोग क्या करते हैं, यहां भारतीय आंसर लगा देते हैं। सवाल यह पूछता है
कि डीएनबी में या फिर डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी में किस देश के लोगों की जीवनियां शामिल करी जाती हैं? यह सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। अब नेशनल देख करके आप लोग यहां भारतीय लगा देते हैं, जो पूर्ण रूप से गलत है। ध्यान रखिएगा, डीएनबी के अंदर ब्रिटेन के लोगों की जीवनियां शामिल है, ब्रिटिशर्स की जीवनियां शामिल है। ब्रिटेन वहां ऑप्शन में लिखा हुआ है ब्रिटिशर्स की, है ना, तो ब्रिटेन के लोगों की जीवनी इसमें शामिल करी जाती है। यह सवाल आपके यहां बहुत बार बनते हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। कोई गलती नहीं करनी है, यहां कोई सवाल गलत नहीं होगा अगर ईमानदारी से यह सारी चीजें आपने तैयार कर ली है तो। अब अगली क्लास में हमें इनका जो पार्ट बचा हुआ है, जैसे ज्योग्राफिकल सोर्सेज वगैरह बचे हुए हैं आपके, गजेटियर्स वगैरह अभी नहीं करवाए हैं मैंने, तो वो अगली क्लास में आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू कर देंगे और हर एक क्लास में नया चैप्टर आने वाला है, तो मिस मत करिएगा। आराम से तत् धन लीन होके क्लास लीजिएगा, सवाल परीक्षा में गलत हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।